और हम जीवन के अलग अलग क्षेत्र में इंतजार कर रहे होते हैं। कई लोग अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से हम लोग अपने जीवन में इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। परंतु जब इस वेट करने में काफी टाइम हो जाता है, थोड़ा लंबा समय जब लग जाता है, तब हमारे जीवन में हमारे अंदर से एक बात पैदा होती है कि अब कुछ नहीं होने वाला। यीशु मसीह भी अब मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है, यीशु मसीह भी मुझे भूल गया है। और तब हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और हम सोचते हैं अब कुछ भी नहीं है, कोई रास्ता अब हमारे लिए नहीं खुल रहा है, अब सब कुछ खत्म होने पर है, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। परंतु परमेश्वर का वचन एक सुंदर बात को हमें कहता है। यशाया की किताब यदि हम लोग निकालें और उसका 40वां अध्याय यदि हम देखें, 27 से 31 पद में एक बहुत सुंदर बात वहां पर लिखी हुई। यहां पे इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार से कह रहा है कि हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की चिंता नहीं करता है। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है, क्या तुमने कभी इस बात को नहीं सुना कि यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता और न शर्मित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है, वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और शर्मित होते हैं और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। जो यहोवा की बाट जो होते हैं, जो यहोवा के समय का इंतजार करते हैं, जो उसके उत्तर आने का इंतजार करते हैं, जो यहोवा के समय का इंतजार करते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं, वे उकाब के समान ऊंचाइयों पर हवा को चीरते हुए, बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। जरूरत है तो केवल इंतजार करने की, और इंतजार हम में से किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल पढ़ें तो बाइबल में कई कैरेक्टर हैं। यूसुफ ने 13 साल इंतजार किया जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था कि तू एक दिन अधिपति बनेगा, या फिर उसे एक दर्शन दिखाया था। उसने 13 साल उस दर्शन को पूरा होने के लिए इंतजार किया और उस बीच में उसने बहुत सारे दुख विपत्तियों को सहा। दाऊद को परमेश्वर ने बचपन में चुन लिया और उसे राजा बनाया जब वो बड़ा हो गया। उसने इतने साल इंतजार किया परमेश्वर के समय का। वो चाहता तो साउल को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने इंतजार किया परमेश्वर का समय का। यहोवा की बाट जोहता रहा और वचन के अनुसार उसने दिन प्रतिदिन नए बल को प्राप्त करता रहा। वो उकाब की समान ऊंचाइयों पर उड़ा और वो कभी थकित नहीं हुआ, कभी शर्मित नहीं हुआ। अब्राहम के जीवन में हम लोग देखते हैं उन्होंने इंतजार किया, सारा ने इंतजार किया, मूसा ने इंतजार किया, यहां तक कि यीशु मसीह ने भी अपने समय का इंतजार किया। और हम और आप समय का इंतजार नहीं करते हैं, यहोवा की बाट को हम नहीं जोहते हैं क्योंकि हमें वो पसंद नहीं है। मेरे प्रियो, अगर हम यहोवा की बाट को न जोहें, यदि हम उसके समय का इंतजार न करें, तो हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो हम उससे आशीष प्राप्त करने वाले हैं वो आशीष भी हमें नहीं मिलेगी। उड़ाव पुत्र ने बहुत जल्दबाजी की, उसने इंतजार नहीं किया, उसने समय का इंतजार नहीं किया। और मेरे दोस्तों, एक समय आता जब उसके पिता उस संपत्ति को उन दोनों बेटों में बराबर बांट देते, परंतु छोटे बेटे ने इंतजार नहीं किया। छोटे बेटे ने इंतजार नहीं किया, उसने कहा पिता मेरी संपत्ति मुझे दे दे, और उसने मांगा और उसके पिता ने उसके हिस्से की संपत्ति उसे दे दिया। उसने अपना सब कुछ कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में सब कुछ खो दिया। वो कंगाल हो गया, भिखारी हो गया। समझ रहे? इसलिए इंतजार करना बहुत जरूरी है। यदि हमें परमेश्वर से आशीषें चाहिए, यदि हमें परमेश्वर से अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहिए, यदि हमें चाहिए कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो हमें प्रभु के समय का इंतजार करना है। हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आने का भी एक समय है।
हम जो कुछ प्रभु से मांग रहे हैं उसका एक समय है, उस समय के लिए हमें इंतजार करना है, धीरज रखना है, उसकी बाट जोहनी है और वो सही समय पर हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हम नहीं जानते आप लोग जो इस प्रार्थना को, इस मैसेज को सुन रहे हैं, किस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं, किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु एक बात है कि आप केवल धीरज रखें और जब आप धीरज रखेंगे तो प्रभु आपके धीरज का आपको प्रतिफल देगा। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे शर्मित न होंगे, वे थकित न होंगे, वे उकाब के समान हवाओं को चीरते हुए आकाश की ऊंचाइयों में उड़ेंगे। आइए हम सब लोग दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया। सच में प्रभु, हम बहुत सी बातों में इंतजार नहीं कर पाते हैं प्रभु, जो प्रार्थनाएं हम आपसे करते हैं उनका उत्तर आने के लिए हम इंतजार नहीं कर पाते हैं, परंतु प्रभु आपसे प्रार्थना है पवित्र आत्मा कि हमें वो सामर्थ्य दे प्रभु कि हम तेरे समय का इंतजार कर सकें, हम वो वेट कर सकें प्रभु, हम धीरज से तेरी बाट को जो सकें प्रभु, और तेरे वचन के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में हो कि हम नया बल प्राप्त करते जाएं, और जब हम तेरे समय का इंतजार करें तो आप ठीक समय पर प्रभु हमारे जीवनों में वो आशीषें देना प्रभु, वो काम करना प्रभु जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। और पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपने वचन के अनुसार हमारे जीवनों में करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आप हमें ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे प्रभु, उकाब के समान पिता परमेश्वर, हम थकेंगे नहीं, शर्मित नहीं होंगे, परंतु हम नया बल प्राप्त करते जाएंगे प्रभु। हम सबको प्रभु तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।